हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 इस वीडियो में करवाऊंगी। इसका जो इंट्रोडक्शन है पहले से ही चैनल में अपलोड है, आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, यूज द फिगर टू नेम। अब यहाँ पे हमें एक फिगर दे रखी है और जो जो हमें यहाँ पे पूछा गया है, 5 पॉइंट्स पूछे गए, वो हमने इस फिगर में से देख के बताने हैं। एक लाइन बतानी है, 4 रेज जो है हमने इस फिगर में से देख के बतानी है और 5 लाइन सेगमेंट जो है वो हमने इसमें से देख के बताने हैं। अब सबसे पहले पूछा गया है 5 पॉइंट्स। पॉइंट्स कौन से हैं इसके अंदर, आपको दिख रहे होंगे ये जितने भी डॉट्स हैं ये सब हमारे क्या है इसके अंदर, पॉइंट है। जैसे कि हम लिखेंगे इसके आगे डी ई ओ बी और सी, ये सब क्या है इसके, पॉइंट्स है। तो हम यहां लिखेंगे 5 पॉइंट्स डी ई ओ सी और बी, ये इसके 5 पॉइंट्स हो गए। अ लाइन, अब इसमें लाइन कौन सी दे रखी है, देखो लाइन जैसे कि आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, लाइन जो होती है वो हमारी दोनों साइड से आगे बढ़ सकती है, इधर से भी हम आगे बढ़ा सकते हैं इधर से भी। ये एरो लगा हुआ है ना, इट मीन्स ये लाइन है कि इधर से भी आगे बढ़ रही है और इधर से भी आगे बढ़ रही है। तो लाइन हमारे अंदर इसमें एक ही है, बी डी, ये हमारी इसके अंदर लाइन है। तो हम लिखेंगे बी डी। 4 रेज, अब 4 इसमें रेज है, रेज क्या होती है, किरणें। 4 रेज जो है हमें बतानी है। देखो अब ये जो है एक रे है, क्यों, देखो इसके एक साइड पे एरो, यानी कि ये जो एक ही साइड पे बढ़ती, जैसे कि आपको मैंने बताया था रे जो होती है वो वन साइड पे ही आगे बढ़ती है। जैसे कि जो सन से रेज आती है वो एक साइड पे नीचे की तरफ आती है, वो बैक नहीं जाती है। ऐसे हमारे हाथ में टॉर्च होता है तो जो उसकी रे है वो आगे की तरफ पड़ेगी, तो रे वन साइड होती है, तो ये वन साइड है, तो ओ सी एक रे है, ठीक है। और बी को देखे तो ये भी एक रे है। अगर हम O और C, ये हमारी रे हो गई, O से लेके D तक ये भी हमारी रे है और O से लेके E तक भी हमारी रे है और E से लेके D तक भी हमारी रे है। ये सब हमारी क्या है, ये सब हमारी रेज में आते हैं। तो हमने 4 बतानी है, तो पहले हम OC लिख देते हैं, OC ये एक हमारी रे हो गई, उसके बाद O से B तक OB दूसरी रे हो गई, फिर O से D तक, ओ से डी तक तीसरी, फिर ओ से ई तक, क्योंकि ये आगे भी बढ़ सकती है इसलिए ओ से ई तक भी जो है हमारी एक रे हो गई। तो 4 रेज बतानी थी, 1 2 3 4। अब बताना है 5 लाइन सेगमेंट। अब इसके अंदर 5 लाइन सेगमेंट कौन कौन से हैं हम इसके अंदर वो बताने हैं, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट वो होता है कि जैसे कि आपको बोला जाए कि 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करनी है, तो अब तो ना वो इस साइड से आगे बढ़ सकती है ना दूसरी साइड से आगे बढ़ सकती है, वो फिक्स हो जाता है, उसके आगे पॉइंट लग जाता है कि अभी आगे नहीं बढ़ सकती। तो वही लाइन सेगमेंट हमने जो है इसके अंदर बताने हैं। तो यहां पे जो हम एक देखें ओ सी जो है वो हमारा एक यहां से लेके यहां तक एक लाइन सेगमेंट है, जहां तक हमारा डॉट लगा हुआ है, ओ से लेके सी तक ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है। अब तो ना ये यहां से आगे बढ़ सकते हैं, यहां ना ही ये यहां से आगे बढ़ सकता, तो ओ सी हमारा एक जो है लाइन सेगमेंट में आ जाता है। उसके बाद हम देखें तो ओ से लेके बी तक ये भी हमारा एक लाइन सेगमेंट है, दो डॉट लगे हुए हैं यहाँ पे, दो पॉइंट है, तो ओ बी भी हमारा एक लाइन सेगमेंट है। ओ से लेके ई तक ये भी हमारा जो एक लाइन सेगमेंट है, और ओ से लेके डी तक भी हमारा लाइन सेगमेंट है, और डी ई ये भी हमारा जो है वो एक लाइन सेगमेंट है। तो 5 लाइन सेगमेंट हमारे ये हो गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। तो अब इसमें से हमें ये 2 ही अल्फाबेट यूज कर करके, जैसे कि हमें ए बी सी डी दे रखा है, ठीक है, इसको हमने 12 वे से लिखना है। 12 वे से क्या लिखना है, लाइंस जो है इसमें हमें बतानी है, नेम द लाइन, इसमें से लाइन के नेम बताने हैं, सिर्फ 2 अल्फाबेट यूज करना, 12 वे से हमने इसको बताना है 2 लेटर्स यूज करके। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें ए बी, ए से लेके बी तक हमारी एक लाइन हो गई, ठीक है, तो ये हो गया ए बी। तो यहां पे हम पहले लिखेंगे ए और ए बी, एक हो गया, 12 वे से लिखना, अभी हमने फर्स्ट लिखा है। दूसरा है बी से सी तक, ठीक है, या फिर आप ए से पहले बी तक लिख लिया, अब ए से सी तक लिख लो, ए बी ए सी ए सी, अब ए से लेके डी तक ए डी ए डी, ठीक है, ए बी ए सी ए डी, अब कौन सा हो जाएगा, बी से सी तक बी सी, ठीक है, अब बी से सी तक हो गया, अब सी डी हो गया। तो हमने इसको क्या लिख दिया, ए बी ए सी ए डी बी सी और बी डी, बी डी भी लिख सकते हो, देखो पहले बी से लेके सी तक है, तो फिर बी से लेके डी तक कर दो आप इसको, बी से लेके डी तक, पहले हमने ए से बी लिया, फिर ए से सी लिया, फिर ए से डी लिया, फिर हमने बी से सी, फिर बी से डी ले लिया। अब हमने इसको क्या करना है, अब हम जो है इसका जो क्या लिखेंगे इसके आगे, अब हम लिखेंगे इसमें सी डी, यानी कि यहां सी से लेके डी तक,
ठीक है। अब हमने सबसे एक एक बार ले लिया, पहले हमने ए से बी, ए से सी, ए से डी, फिर बी से सी, बी से डी, फिर हमने सी से डी। अब हमने क्या करना है, इसका बिल्कुल हमने ऑपोजिट कर देना है, बिल्कुल उल्टा, क्योंकि सिक्स टाइम हमारा ये हो चुका है। अब हम इसको उल्टा कर देंगे, पहले हमारा ए बी था, अब हम इसका कर देंगे बी ए, ए सी था अब हम कर देंगे सी ए, ए डी था इसको हम कर देंगे डी ए, बी सी को सी बी और बी डी को डी बी और सी डी को डी सी। तो ये हमारा जो है वो 12 वे से हमारा हमने जो है लाइन्स इसमें बता दी हैं, ठीक है, लाइन सेगमेंट इस तरीके से हम 12 टाइम बताएंगे। अब हमारा आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, यूज द फिगर ऑफ नेम लाइन। अब हमें बताना है कि इसमें जो लाइन कंटेनिंग प्वाइंट है ई वो बताना है हमारा, तो ई जो है हमारा, ई हमारा कौन सी लाइन पे पड़ रहा है, हमें इसको देख के बताना है कि जो ई प्वाइंट है वो हमारा कौन सी लाइन पे, ई प्वाइंट जो है वो हमारा ए ई, ये जो हमारी ए और ई लाइन है इसके ऊपर जो हमारा प्वाइंट ई पड़ रहा है, तो लाइन कंटेनिंग प्वाइंट ई ए ई, इसके ऊपर जो है हमें लाइन का जो है इस तरह से सिंबल हम लगा देंगे कि ये लाइन ए ई पे पड़ रहा है। ऐसी जो लाइन पासिंग थ्रू ए, अब जो लाइन जो पास हो रही है ए से वो कौन सी है, वो भी हमारा किस पे पड़ रहा है, जो लाइन पास हो रही है ए से वो भी हमारा किस पे है, लाइन पासिंग थ्रू ए इज ए ई, ये भी हमारी ए ई से ही पास हो रही है, ठीक है। देखो ये भी ए ई के ऊपर ही पास हो रहा है ए पॉइंट। अब लाइन ऑन विच ओ इज लाइज लाइज, ओ पॉइंट है वो कौन सी लाइन के ऊपर पड़ रहा है, ओ पॉइंट हमारा कौन सी लाइन पे पड़ रहा है, सी ओ पे, तो सी ओ पे हमारा ओ पॉइंट पड़ रहा है। देखो ये सी लिखा है और इस लाइन के ऊपर पड़ रहा है, तो ये सी ओ है। टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, दो पेयर हमें बताने हैं जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, पहला क्या है, ये सी ओ जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है ए ई को, तो सी ओ इंटरसेक्ट कर रहा है ए ई को, सबके ऊपर हमने लाइन के सिंबल जो है वो बनाने हैं इस टाइप से, ठीक है। जो सी ओ है वो ए ई को, ये जो सी ओ लाइन है वो ए ई को इंटरसेक्ट कर रही है, दूसरा जो एफ ई लाइन है वो भी ए ई को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। आप ए ई भी लिख सकते हो या फिर डी ई भी लिख सकते हो, कि जो लाइन ई एफ है, लाइन ई एफ या एफ ई जो है वो ए ई को इंटरसेक्ट कर रही है, ये भी लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो कि ये डी और ई को इंटरसेक्ट कर रही है, डी ई को, ठीक है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर फोर है, हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू ए ऑन, कितनी लाइंस जो है पास हो सकती हैं वन गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है और टू गिवन पॉइंट से कितनी लाइंस जो है वो हम पास हो सकती है। देखो अगर आपके पास एक पॉइंट है, अगर यहां पे मैं एक पॉइंट ले लेती हूं, ठीक है, अब इससे मैं कितनी लाइन पास कर सकती हूँ, कितनी भी पास जो है लाइन्स मैं यहां से कर सकती हूँ, ठीक है, कितनी भी लाइन्स जो है मैं यहां से पास कर सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ दो ही पॉइंट है, मान लो इस तरीके से दो पॉइंट है, तो इससे मैं सिर्फ एक लाइन पास कर सकती हूँ सिंगल, चाहे वो पॉइंट ऐसे हो चाहे वो पॉइंट ऐसे हो, सिर्फ दो ही लाइनें जो हैं वो पास हो सकती है। तो वन गिवन पॉइंट से इनिशियल लाइन्स जो है जिसको हम पास कर सकते हैं, जिसका कोई एंड नहीं है, लेकिन टू पॉइंट से हम जो है सिर्फ वन लाइन को पास कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव आ जाता है, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अब हमें इसके अंदर जो है रफ फिगर जो बनाने हैं, इसमें क्या लेना है, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, हमें जो है एक ए बी लेनी है, ए बी के ऊपर देखो एक लाइन है, लाइन का लाइन सेगमेंट जो है इसके ऊपर ऊपर हमें दे रखा है, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, ठीक है, ए बी क्या है, ये लाइन सेगमेंट है। अब इसके ऊपर हमें पॉइंट क्या लेना है, पी लेना है, तो आप यहां पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हो, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो और उसके ऊपर हम लिख देंगे ए और बी, ये हमारा हो गया ए बी, और इसके ऊपर एक पॉइंट लेना है आपको पी, कहीं पे भी ले सकते हो इस लाइन के ऊपर, ठीक है। सेकंड ने बोला है कि एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्टिंग एट एम, यानी कि अब एक लाइन जो है हमें, एक लाइन एक्स वाई लेनी है और दूसरी लाइन पी क्यू लेनी है और वो एम के ऊपर इंटरसेक्ट करनी चाहिए, तो हमें दो लाइन लेनी है एक्स वाई और पी क्यू। तो पहले हम जो है इसके अंदर एक एक्स वाई लाइन ले लेते हैं इस तरीके से, ये हमने एक एक्स वाई लाइन ले ली, ये मैं रफली ड्रॉ कर रही हूं, एक्स वाई जो है हमारी इसके अंदर लाइन हो गई। उसके बाद जो है हमने ऊपर इसके पी क्यू ले लिया जो कि हमारा एम पे, यहां पर जो पॉइंट है ना यहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, इस तरीके से हमें इसके लिए फिगर बनाना पड़ेगा कि ये पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट कर रही है। उसके बाद थर्ड इन्होंने बोला है कि जो लाइन एल है वह कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी, जो लाइन L है वो किस पे है, वो
जो लाइन एल है वो ई एंड एफ पे है, ठीक है, उसके ऊपर ई और एफ है एल के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर डी नहीं है लाइन एल के ऊपर। तो पहले हम एक लाइन एल ड्रॉ कर लेंगे। हमने एक जो लाइन है वो एल ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने ई ले लिया और इसके ऊपर हमने एफ ले लिया, पर इसके ऊपर डी नहीं है, तो डी मैं इसको यहां ले लेती हूँ, ठीक है। डी नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, जैसे कि उसमें लिखा है। दूसरा है ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। अब जो ओ पी है और जो लाइन ओ क्यू है वो ओ के ऊपर मीट कर रही है, ओ पी और ओ क्यू। तो जो लाइन ओ पी है और जो लाइन ओ पी और ओ क्यू, तो पहले हम ओ पी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओ पी और ये हो गई हमारी ओ पी, उन्होंने क्या बोला है, और जो ओपी है और जो ओ क्यू है वो हमारी ओ पे मीट कर रही है, यहां पे मीट कर रही है, तो इसका मतलब जो दूसरी लाइन है वो भी हमारी यहां से ही आएगी, ठीक है, ओ क्यू, तभी तो ये हमारी ओ पे मीट कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से इस पे मीट कर रही है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें हमें क्या बोला गया है। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन, यहां पे हमें दे रखी है, से वट एवर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स इन कॉन्टेस्ट द गिवन फिगर। इनमें से जितनी भी स्टेटमेंट है कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स, इसमें से देख के हमें इसमें बताना है। तो सबसे पहले जो हमें बोला गया है क्यू एम ओ, तो फर्स्ट है क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट ऑन द लाइन एम एन। अब जो ये एम एन लाइन है, देखो लाइन जो है वो दोनों साइड से आगे बढ़ सकती है, तो उन्होंने बोला है कि जो एम एन लाइन है उसके ऊपर ये पॉइंट क्यू एम ओ एन पी है, तो ये ट्रू है, बिल्कुल है। एम ओ एन आर पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट एम एन। अब जो पॉइंट एम ओ और एन है ये क्या है, पॉइंट है किसके ऊपर, लाइन सेगमेंट एम और एन पे। अगर हम यहां पे एम और एन को लाइन सेगमेंट लेते हैं, एम को और एन को, तो इस अब तो ना ये यहां से आगे बढ़ सकती है और ये ना ही यहां से आगे बढ़ सकती है, क्योंकि हमने इसको लाइन सेगमेंट माना है। तो ये जो हमारी लाइन सेगमेंट है एम ओ एन, क्या इसी के ऊपर ये तीनों पॉइंट है एम ओ एन, बिल्कुल ये तीनों पॉइंट इसी के ऊपर है एम ओ एन, इतने से इतने हिस्से के बीच में, तो ये भी हमारा ट्रू है। एम एंड आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन, तो जो एम और एन है आर एंड पॉइंट है किसके, लाइन सेगमेंट एम एन के। लाइन सेगमेंट अगर हम एम और एन को मान रहे हैं तो ये एम और एन जो हैं इसके एंड पॉइंट है, बिल्कुल, क्योंकि ये इसका एंड पॉइंट है ये इसका एंड पॉइंट है। अगर हम यहां से लेके यहां तक इसको मान रहे हैं लाइन सेगमेंट, तो ये इन दोनों का एंड पॉइंट है, बिल्कुल ये ट्रू है। ओ एंड एन आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओपी। अब उन्होंने बोला है कि जो ओ पॉइंट है और जो एन पॉइंट है, यानी कि ओ और एन पॉइंट जो है वो एंड पॉइंट है किसका, ओ का और पी का, तो ये तो एंड पॉइंट नहीं है ना, और एन कोई एन पॉइंट है और पी के नहीं। अगर हम किसके ऊपर ले रहे हैं, इन्होंने बोला है कि ओ और एन जो है, ओ और एन जो है वो एंड पॉइंट है ओपी के, तो ओपी के एंड पॉइंट और एन नहीं है, ओपी के एंड पॉइंट और पी ही होंगे, तो ये फॉल्स है। एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू आर। अब जो क्यू और ओ है, सॉरी क्यू ओ, अब जो क्यू और ओ तक जो लाइन सेगमेंट है उसका जो एम पॉइंट है क्या वो एम है, नहीं, एंड पॉइंट उसका एम नहीं है, उसका तो एम पॉइंट एंड पॉइंट क्यू और ओ ही होगा, तो इसका एंड पॉइंट एम नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। एम जो है वो पॉइंट है रे ओपी का। अब जो रे यहां ओ से लेके पी तक है, तो इसके ऊपर कोई पॉइंट एम है, नहीं है, तो ये क्या है, फॉल्स है। अब जो रे ओ से लेकर उसके बाद है रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू आर। अब जो रे क्यू यहां से लेके क्यू से लेके पी तक है, जो रे ओपी है, देखो यहां से लेके यहां तक ये रे ओपी है और यहां से लेके यहां तक क्यू पी है, ये यहां से लेके यहां तक, तो जो क्या इनका जो डिफरेंस है, रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी, बिल्कुल इज डिफरेंट है, क्योंकि इनके जो देखो इसके अंदर कितने पॉइंट आ रहे हैं, 1 2 3 पॉइंट आ रहे हैं, इसके बीच में कितना आ रहा है 1, तो ये जो है इससे क्या है, ये बिल्कुल इससे डिफरेंट है, तो ट्रू है। रे ओपी इज सेम एज रे ओ एम। अब जो रे ओ से लेके पी तक है और जो रे ओ से लेकर एम तक है, ओ से पी तक और ओ से लेकर एम तक, यहां तक जो रे है क्या ये सेम है, तो हमें बताना, ये भी फॉल्स है, क्योंकि इसमें 1 2 3 है, इसमें सिर्फ 1 2 है, तो ये फॉल्स है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है रे ओ एम इज नॉट ऑपोजिट टू रो टू रे ओ पी। जो ओ जो रे ओ से लेके एम तक है, जो ये रो है ओ से लेके एम तक, वो ऑपोजिट नहीं है ओपी के, तो ये तो ऑपोजिट है इसके,
ओपी हमारी इस साइड है और ओ एम इस साइड है, तो इसके ऑपोजिट ही है, तो इसलिए यहाँ पे नॉट ऑपोजिट लिखा, जबकि ये ऑपोजिट है, तो ये फॉल्स है। ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओपी, ओ जो है वो इनिशियल पॉइंट जो नहीं है ओपी का। अब ये पूरा ओ से लेके पी तक देखें तो ओ जो है वो इनिशियल पॉइंट है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं है, तो ये भी हमारा क्या है, फॉल्स है। एन इज द इनिशियल पॉइंट एन पी एंड एन एम, एन जो है वो इनिशियल पॉइंट है किसका, एन पी का, और अगर एन से लेके एम तक देखे तो एन एम का, तो ये हमारा ट्रू है, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.1 जो कंप्लीट हो जाती है। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।